ये साहब हैं बुद्धिराम। रिश्ते से ये बूढ़ी काकी के भतीजे हैं। बूढ़ी काकी यानी गांव की ये बूढ़ी औरत, जिसे गांव के लोग बूढ़ी काकी के नाम से पुकारते हैं। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम कर दी थी, लेकिन आज जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में परेशानियों और गरीबी के समय से गुजर रही हैं, तब उन्हें अपने जीवन के उस निर्णय पर पछतावा होता है जब उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया था। जब अपनी गृहस्थी तो देवी देवता माँ बाप सब कुछ यही बूढ़ी काकी थी। अरे जब मतलब निकल गया तो मरे हुए जानवर से भी बेकार हो गई। अरे सब समय का खेल है। अगर ईश्वर यही ना चाहता तो एक जायदाद का वारिस न बच गया होता। बुद्धिराम कंजूस होने के साथ साथ एहसान फरामोश भी निकला। हम सब रात दिन तुम्हारी खिदमत करते हैं। एक तुम ही हो जो जब तब सबके सामने गालियां देती रहती हो। अगर हम लोग ना होते तो भूखों मरती तब समझ में आती। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया रे जो मेरे ऊपर ऐसे बरस रहा है। अरे अब तो मेरा मुंह खोलना भी दूभर हो गया। इतने दिनों से कमीज फटी पड़ी थी, तुझसे कोई नया जोड़ा थोड़ा ही मांग रही हूँ। अरे भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है। आंखों से दिखाई पड़ता तो किसी के सहारे की जरूरत काहे पड़ती मुझे। अरे आप चुप भी रहो। मैं सब समझ रही हूँ बहू, तुझे तो समय ही नहीं मिला होगा। क्या कहा? इसकी तो चीखने चिल्लाने की आदत पड़ गई है। अरे इनकी सुनते सुनते तो कान पक गए। सच पूछो तो रात दिन बस बद्दुआ ही देती रहती है ये। मुझे इसकी रक्ति भर चिंता नहीं है। गाँव में जो समझदार आदमी है वो सब समझते हैं कि दोष किसका है। रामदीन चौकीदार कह रहा था कि सारा गांव जानता है कि काकी जब तब खाने के लिए बड़बड़ाती रहती है। हाँ हाँ, अरे मुझे क्या पता था कि तू इतना बदल जाएगा। अपनी औलाद नहीं थी, अरे तुझे ही अपनी औलाद से बढ़कर समझा। तेरे बच्चे मुझ पर खुली करते हैं, मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। अरे गांव घर में एक जानवर की भी इज्जत होती है, लेकिन मेरी तो वो भी नहीं। लेकिन इसमें बच्चों का क्या दोष। अरे तेल की धार जिधर बहेगी पीछे वाला तेल भी तो उधर ही जाएगा। ये क्या समझते नहीं है कि माँ बाप बूढ़ी काकी की क्या इज्जत करते हैं। ये लो बाल्टी भर के रखती है, जी भर कर पियो और पानी पी पी कर हम लोगों को कोसो। अरे कितना भी किया जाए पर कोसने की इनकी आदत सी बन गई है। चलो बचके हुई हम बाट रे बटोहिया पूरब रहिल हम जाई। बचके हुई हम बाट रे पूरब रहिल हम जाई। सैया रहिले विदेशवा मछाई। सुनो रे बटोही मोरे भाई, सुनो रे बटोही बटो।
बटोही मोरे भाई। लाडली के बापू क्या किस सोच में डूबे हो? खाने का वक्त हो गया है, चलो चलकर खाना खा लो। अभी भूख नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। दिया में तेल बहुत कम है, खत्म हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। बच्चों ने खा लिए? हाँ सब खा चुके। और बूढ़ी काकी ने? अरे काकी भी खा लेंगी। पहले तुम बूढ़ी काकी को खाना खिला कर आओ, नहीं तो अभी रोने चीखने लगेगी। सच कहते हो, मुझे तो कभी बड़ा अजीब सा लगता है, पैसे के मुंह के कारण हम लोग काकी की बहुत उपेक्षा करते हैं। बूढ़ी है, कष्ट होता होगा तभी तो बद्दुआएं देती है ना। मुझे तो भगवान से बड़ा डर लगता है, आखिर अपने भी तो बच्चे हैं। अपनी अपनी करनी का ही फल भोगते हैं। तुम्हारी तरह हर आदमी हो जाए तो दुनिया ही बदल जाए। खरे आदर पाने का भी एक ढंग होता है। और हाँ, दो पैसे अगर हमारे पास हैं तो लुटाने के लिए नहीं, उन्हें मुफ्त में खर्च कर दूं, ये मेरे बस का नहीं। सच कहते हो, आखिर उनके चीखने चिल्लाने से हम लोग क्या क्या करते रहेंगे। और तू जब देखो तब उस बुढ़िया के पास बैठी रहती है, हमेशा वही कमरे में घुसी रहेगी। अगर अब की बार गई ना तो मैं तेरी टांग को। अब इसे बक्सो भी भगवान। ठीक है, बच्ची है, अब नहीं जाएगी। अच्छा जाओ, तुम खाना निकालो। जाती हूँ। अरे लाडली कहाँ थी बेटी? कुछ खा रही है। भाइयों ने सताया है तभी बूढ़ी काकी याद आई। ये पीछे क्या छिपाए है? आहा, बड़ी अच्छी महक आ रही है, लगता है कुछ चटपटा है। आ बैठ मेरे पास। बूढ़ी काकी, आपको सुन करके ही कैसे पता चल जाता है कि क्या है? अरे छोड़ बेकार की बातें, जब तू मेरी उम्र की होगी ना तो सब कुछ समझ जाया करेगी। अच्छा ये बता, क्या लाई है? गरम गरम समोसे हैं। समोसे? निपकर वाले हलवाई की दुकान से खरीद कर सीधे आ रही हूँ, वरना भैया देख लेता तो छीन कर खा जाता। खा ले, डर मत, यहाँ थोड़े ही भैया आएगा, देख तो अच्छा है कि नहीं। अच्छा है। अरे रामदीन हलवाई है ना, बहुत अच्छा बनाता है। लाडो थोड़ा सा मुझे भी तो दे। बूढ़ी काकी, जब मैं रामदीन हलवाई वहाँ से खरीद के लाऊंगी तो आपको जरूर दूंगी, अभी तो सिर्फ एक है। अरे हट, तू मुझे चिढ़ा रही है ना, बता कल देगी? अरे हाँ, अगले हफ्ते मुखराम का तिलक आ रहा है। अरे वाह, खूब स्वादिष्ट पकवान बनेंगे और तब मुझे भरपेट खाने को मिलेगा। हाँ थोड़ा सा मुझे भी तो दे। लो बूढ़ी काकी। बहुत अच्छा है। बूढ़ी काकी, अब माँ बुला रही है। माँ बुला रही है? हाँ मैं जा रही हूँ। अरे हम गए रहे साथ, हम देखा भैया 10 भैंस। अच्छा, कहीं हम कहा देखो बुद्धिराम, तुम्हार किस्मत आज जल गई। अरे भैया नाव ठाकुर, तुम यहाँ क्या चपर चपर बात कर रहे हो? अरे जाके जरा महाराज की मदद करो, अकेले परेशान है बेचारे भंडार में। जाओ। हाँ हाँ बुद्धिराम भैया। अरे यही खातिर तो खूब खाए पी के शरीर तगड़ा किया है कि मुखराम भैया की शादी में दौड़ दौड़ के काम करें, दौड़ दौड़ के काम करें। कितने समय से इंतजार कर रही थी इसी दिन का, कब मुखराम का तिलक चढ़ेगा और मुझे पेट भर खाना मिलेगा।
पर अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बन रही पर अपने लिए तो महक के सिवा और कुछ भी नहीं। आज ये लाडली न जाने कहां चली गई मेहमानों के बीच में, मुझे तो भूल ही गई। सब मतलब के लोग हैं, यहां बैठने से क्या फायदा। चलूं हलवाई के पास, आह क्या लाल लाल पूरियां तल रहा है। आह अरे भौजी, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। हाँ, देती हूँ, ये लो। अरे भौजी, भाड़ आए उन्हें भी कुछ दे दो। अरे जरा ठहरो, मैं अपने हाथ ही उठा करके दे दो। ये लो, यूँ ले जाओ। अच्छा अच्छा, अब जिसे देखो सब मुझे ही पूछ रहा है। अब मैं भी किसी को कुछ नहीं कहती, नहीं तो नाते रिश्तेदार टोला मोहल्ला के लोग सोचेंगे कि रूपा ने नहीं हर ससुराल में कुछ देखा ही नहीं, बस जरा सी बात में इतराने लगी। अरे आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या भाड़, जरा भी संतोष नहीं होता है। अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान तक को भोग नहीं लगा और इनके पेट पे पहले ठूंस दिया जाए। डाय मरे ना माचा छोड़े, इतना खाती हो सब कहाँ जाता है। जाओ जाकर के अपनी कोठरी में बैठो, जब सब लोग खा लेंगे तभी मिलेगा, समझी। और तुम कोई देवी तो हो नहीं कि किसी के मुंह में पानी जाए ना जाए, तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। सच तो आग लगे ऐसे पेट को, मेहमानों ने खाना नहीं खाया और पहले घर वालों को मिल जाए। हाय बड़ी बेइज्जती हुई आज तो। भाई बात चाहे जो कुछ हो, बुद्धिराम ने खूब पैसा खर्च करके बढ़िया पकवान बनवाए। गलती तो मेरी ही थी, मुझे हलवाई के पास नहीं जाना चाहिए था। जरा सी देर की ही बात थी लेकिन सबर तो ना हुआ। अरे मेहमान तो खाना खाने बैठ गए, अब खा रहे हैं, थोड़ी सी देर में खा चुकेंगे, फिर मुझे भी खाना मिलेगा। पहले गरम गरम पूड़ियाँ रसेदार सब्जी के साथ खाऊंगी, फिर पेट भर के मिठाई खाऊंगी। आह कैसा स्वादिष्ट पकवान बना है, वाह। बस थोड़ी सी देर की ही बात और है चन, तब तक एक गीत ही गाऊं। नंद जी के खाओ 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 बेटा। मई तेरे बधैया बाजे। अरे इतनी देर से मैं गीत ही गाए जा रही हूँ, अब तो सब मेहमान खाना खा भी चुके होंगे। चलूं नहीं तो बचा खुचा ही मिलकर संतोष करना पड़ेगा। अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? सारी इज्जत में तुम्हें मिला दी। अरे बुढ़िया सत्यानाश हो तेरा, क्यों मेरी इज्जत धूल में मिलाने पे पड़ी हुई है? भगवान के लिए मुझे माफ कर और कमरे में जा।
भी मेरे लड़के का सगन होने दे। जाने किस मनुष्य घड़ी में तेरी जिम्मेदारी भी थी, अब मरेगी भी। चल भाग जा। ये जवान मित्र जी, ये मैं कहता हूँ जा। ये जाती है तो उठाऊँ डंडा। सत्यानाश हो तेरा, न मरती है न जान छोड़ती है। ये रात कैसे कटेगी भगवान? हे राम, क्या खाऊं? अरे इन लोगों को मेरी सुधी भी नहीं आई, पेट में आग धधक रही है। अरे क्या मेरा पेट काटने से ही इनके पास धन जुड़ जाएगा? ये भी ना सोचा, अरे ये बुढ़िया कितने दी, इसका जी तो ना दुखाए। भोली काकी, कौन है? मैं हूँ लाडली। खाना? क्या अम्मा ने भिजवाया है बेटी? नहीं, ये मेरे हिस्से का है। तेरे हिस्से का? पेट भर गया? नहीं बेटी, भूख और बढ़ गई है। जा अम्मा से दो पूड़ी और ला दे। काकी अम्मा सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी, उसे छुपा के लाई। तो फिर ऐसा कर बेटा, तू मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया है। चल। राम, मैं भी कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे हजारों रुपए की आमदनी हो रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। हे भगवान, मुझे माफ करना, मेरे बच्चों पर दया करना, मेरी भूल को क्षमा कर देना भगवान। मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे क्षमा कर दो काकी, मुझसे बहुत भूल हो गई। काकी काकी मुझे क्षमा कर दो, तुम तो देवी हो काकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो काकी, मुझे माफ कर दो काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हुई। काकी काकी मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो काके, मुझे माफ कर दो। चलो काके अंदर चलो। देखते रहिए हमारा चैनल सुनील बत्ता फिल्म्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी है जो आप तक पहुंचने वाला है।